हेलो एवरीवन, मैं कल्पना। वेलकम टू माय चैनल, आपका अपना स्टडी अड्डा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर पूरे 6 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी हिंदी में कवर कर रही हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का चैप्टर। जो हमारा साइंस क्लास 8 का साइंस हमारे इधर पर चल रहा था, जिसके 6 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, आज हमारा जो चैप्टर 7 है। तो पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, तो चैप्टर इंपोर्टेंट है आपका, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अच्छी चीजें इधर में जानने को मिले। आगे देखिएगा पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो पौधों का संरक्षण हमारे लिए जरूरी है, यानी हमें पौधों को भी सुरक्षित रखना चाहिए और हमें जंतुओं को भी सुरक्षित रखना चाहिए। हमने देखा कि कक्षा 7 में बुजू एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किए थे और अपने सपाटियों के साथ उनमें बांटने के लिए उत्सुक थे। तो देखो यार, नॉर्मल सी बात है कि जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो जो लोग घूमने नहीं जाते हो तो हमें एक उत्सुकता होती है अंदर मन से कि हम वो चीज़ दूसरों को बताएं जाके और उन्हें बताएं कि वहाँ कैसा था। तो वो अनुभव इन्हें बांटने के लिए जी उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अनुभव बांटने के लिए उत्सुक थे। तो जो दूसरे बूझों के क्लासमेट थे वो दूसरी जगह भ्रमण के लिए गए थे, तो वो भी अपने अनुभव बांटने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गए थे, कुछ लोक चाऊ वन्य जंतु अभयारण्य गए थे, कुछ कहाँ गए थे, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, तो जो आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर है तो इसको हम बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी बोलते हैं, और बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। तो उन्होंने वहाँ पर बाघ संरक्षित क्षेत्र भी सुना था। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान वन जंतु अभयारण्य एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों के बारे बनाने का क्या उद्देश्य है। तो पहले पूछ ली, सब बनाने का क्या उद्देश्य है, तो देखिए इनके बनाने का ये उद्देश्य है कि जो हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसलिए इनको बनाया जाता है, और उसको हमें लास्ट चैप्टर में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए वन उन्मूलन एवं इसके कारण, तो क्या कारण है वन उन्मूलन के, कोई ऐसे ही तो फालतू में ही तो वन उखाड़ नहीं देगा या वनों की कटाई करने नहीं लगेगा या फिर जीव जंतु को फालतू में तो मारेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके कुछ कारण होंगे वन उन्मूलन के, तो इधर पर हम वन उन्मूलन के कारण पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं, मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक हैं। जो आपके पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं, ये जो अपनी मानव जाति है, जो हम लोग हैं, इनके अस्तित्व के लिए भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है। अगर हमें अपना अस्तित्व चाहिए तो हमें पेड़ पौधे जीव जंतु जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्यों जरूरी है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो देखिए वन उन्मूलन मीन्स होता है आपकी, वन उन्मूलन मीन्स तो आपको पता होना चाहिए कि होता है वनों को समाप्त करना। ठीक है, तो अब देखिए जब वन समाप्त हो जाएंगे तो क्या खतरा होगा, क्या इन जीवों के, आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो जो जीव जंतु हैं जो वन में रहते हैं, और जो मान लीजिए कोई पेड़ पौधा खाता है, ठीक है, और कोई एक दूसरे को खाता है, कोई जंतु किसी जंतु के मर जाने पर उसको खा लेता है, वो उसका भोजन बन जाता है, तो अब जैसे जीव जंतु नहीं रहेंगे, हम उनको मारते जाएंगे और वन नहीं रहेगा तो जीव जंतुओं के आवास नहीं रहेंगे, क्योंकि वहीं पर रहते हैं। ठीक है, तो उससे खतरा हो जाएगा, और भी इधर पे आपके बहुत सारे खतरे हैं, आपको धीरे धीरे सब इधर पे चीज़ें पता चल जाएंगी। अब इधर पे वनों उन्मूलन का अर्थ बताया गया है, वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, यानी वनों को हम समाप्त करेंगे इसलिए समाप्त करेंगे क्योंकि हमें भूमि की जरूरत होगी, या फिर हमें ईंधन की जरूरत होगी, या फिर हमें फर्नीचर बनाने की लकड़ी की जरूरत होगी, तभी तो हम वनों को समाप्त करेंगे। तो जो हम वनों को समाप्त करेंगे और उससे जो भूमि प्राप्त होगी हमें, उसका दूसरे कार्यों में उपयोग करना आपका वनोन्मूलन कहलाता है। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती, कौन कौन उद्देश्य है, देखिए कृषि के लिए भूमि प्राप्त हो सकता है, आपके लिए कृषि के लिए भूमि ना हो तो हम वनों को काट देंगे, उधर पे आपकी भूमि प्राप्त हो जाएगी आपको, तो आप उधर से आराम से वहाँ क्या करेंगे, खेती कर सकेंगे। घरों में कारखानों का निर्माण, अब आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, आप कारखाने बनाने के लिए जमीन है, तो भी हम वनों को काट सकते हैं। फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, तो अगर फर्नीचर चाहिए, हमें फर्नीचर बनाना है, खिड़की बनाना है, दरवाजा बनाना है, सोफा सेट बनाना है, बेड बनाना है, या फिर हमें कुछ भी चीज़ लकड़ी का सामान बनाना है, आजकल लकड़ी की बहुत सी चीज़ें बनने लगी हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें फर्नीचर की जरूरत पड़ी तो हम लकड़ी काटेंगे। लकड़ी के लिए अगर हमें ईंधन चाहिए लकड़ी वाला, तो भी हम लकड़ी को
काटेंगे। तो ये चीज़ें अब देखिए हम अपने उपयोग में ला तो लेते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम इसका कटाव कर देंगे, वन का कटाव कर देंगे, कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब इधर पर एक चीज़ और दी हुई है आपकी, दाबानल एवं भीषण सूखा भी वनों उन्मूलन के प्राकृतिक कारण है। तो वो तो आपके जो कारक मैंने बताए थे, जो कृषि के लिए भूमि बनाना और ये सब जो आपके इधर पे ये वाले कारक दिए हुए, ये तो मानव के द्वारा किया जाता है, मनुष्य इसको करते हैं, लेकिन आपके जो प्राकृतिक कारक हैं, एक तो आपका दाबानल है, एक आपका भीषण सूखा है। तो देखिए जब भीषण सूखा पड़ेगा तो वैसे ही वृक्ष सूख जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं तो आपका क्या होगा कि वन, अब वन क्या है, वन हरे भरे नहीं रहेंगे तो फिर लकड़ी सूख जाएगी और पत्ते झड़ जाते हैं, तो बस यही आपका भीषण सूखा पड़ गया। और दूसरा आपका दाबानल, दाबानल का मतलब होता है अपने आप से वन में आग लग जाना, ठीक है। तो ये आपके प्राकृतिक कारक हैं। जैसे क्या होता है, मई जून की अच्छी गर्मी पड़ रही है और लपट वाली आपकी बिल्कुल वो चल रही है ये हवाएं, तो उससे गर्म हवा चलने की वजह से क्या होता है, कभी कभी जैसे सूखे पत्ते हों तो वहाँ पे आग लग जाती है, और वहाँ पे आग लग जाने की वजह से इतना हानि होता है, इतना हानि होता है कि एक वन का बहुत ही बड़ा भाग आपका जल के नष्ट हो जाता है। तो आपके दाबानल और भीषण सूखा आपके क्या है, प्राकृतिक कारक है। हो सकता है जब मैं पूछ लें कि इनमें से प्राकृतिक कारक कौन से हैं, कौन से मानव के द्वारा कारक हैं वन का, वन उन्मूलन की, तो आपको थोड़ा याद रखना है। वैसे मेरे ख्याल से आपको याद हो चुका होगा वन उन्मूलन के परिणाम। तो अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो उसको हमें परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, और जितने भी परिणाम हैं सारे के सारे परिणाम हानिकारक हैं। तो देख लेते हैं, पहली ओर बूझने वनों उन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया, उन्हें याद है कि वनों उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। तो देखिए पृथ्वी में क्या होता है, ताप होता है, टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी में, और टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो नुकसान होने लगता है हमें। और दूसरी बात क्या होती है कि जो आपके ग्लेशियर और पोल्स हैं वो पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ग्लेशियर और पोल्स पिघलना स्टार्ट होंगे तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और तटीय मैदान भी काफ़ी डूब जाते हैं, द्वीप समूह भी काफ़ी डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ने से हमें नुकसान होता है, और प्रदूषण में के स्तर में भी वृद्धि होती है, तो प्रदूषण भी आपका बढ़ता है। इसके अलावा इससे वायुमंडल और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इसलिए बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है मैं आपको बड़ी ऐसा इधर पर बताती हूँ कि किस प्रकार से बढ़ती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्यों बढ़ता है, अगर हम वन उन्मूलन करते हैं तो जो आपका CO2 है वो भोजन बनाने के लिए काम आता है, किसकी, वृक्षों की। अब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो वो जो CO2 है वो वायुमंडल में उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो वृक्षों को काम में नहीं आएगा खाना बनाने में, और जब वो वृक्षों को काम में नहीं आएगा तो जो आपका CO2 है वो O2 में कन्वर्ट नहीं होगा। अब O2 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इससे क्या नुकसान होगा कि हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ज़्यादा मात्रा में, और वो जो CO2 है वो भी वायुमंडल में तैरती रहेगी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल का स्तर बढ़ेगा, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़े किसी भी चीज़ से तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है पृथ्वी का। अब टेम्परेचर पृथ्वी का स्टार्ट बढ़ता है तो मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर और पोल्स हैं जो हमारे पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपकी होती है। तो इस प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। भूमजल स्तर का निम्नीकरण होता है। अब देखिए भूमजल स्तर का निम्नीकरण इसलिए होता है कि भूमजल आप जानते हैं कि आपका वाटर लेवल होता है, जैसे हमें नल लगवाना हो या हमें हेड पंप लगवाना हो तो हम क्या करते हैं, बोर कराते हैं। बोर कराने से क्या होता है कि हमें एक पाइप डालना, 20 फीट का पाइप डालेंगे, 30 फिर 40 ऐसे डालते हैं पाइप जब तक पानी ना मिल जाए। हो सकता है बहुत ही नीचे तक पानी चला जाए, उसका बहुत ही ज़्यादा निम्नीकरण हो जाए और पानी हमें ना मिले, तो वहाँ पर हमें क्या सूखा समझ में आने लगता है, ठीक है। तो ये आपका जो भूमजल स्तर है इसलिए कम हो जाता है कि जैसे जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ठीक है, अब वो पेड़ पौधे नहीं रहे आपका पूरा जल चक्र पूरा बिगड़ जाता है। मैं आपको 5 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरा समझा देती हूँ कि किस प्रकार से बिगड़ता है। देखिए जो हमारी जड़ें होती हैं वो आपको पता है कि मिट्टी का कटाव नहीं होने देती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं एकदम, और जब बारिश होती है दोस्तों तो बारिश होती है तो पानी को कटने नहीं देती हैं, यानी पानी पे बहाव नालियाँ नहीं बनाने देती हैं, क्या होती है जड़ें उसको रोक लेती हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी में क्या होता है अच्छे एकदम मिट्टी का गठन बना रहता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। मिट्टी का कटाव नहीं होता है तो जो पानी होता है आपका, जो पानी होता है
जड़ें हैं वो उसको बांध के रखती हैं। अब जड़ों ने पानी को बांध लिया, वहीं पर रोक लिया, तो वहाँ आपका वाटर लेवल अच्छा होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, आपका जब जड़ें पानी को रोक लेंगी तो वो पूरे पूरे वृक्ष में पानी को पहुँचाएंगी। इसके बाद पृथ्वी में पृथ्वी नहीं सॉरी जो आपकी पत्तियाँ होती हैं वृक्षों की वो सरंध होती हैं, यानी उसमें पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सारंध मीन्स रंध मीन्स छिद्र होते हैं, और सारंध मीन्स रंध सहित, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे उस पानी का क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है। जो जड़ों के द्वारा ऊपर ले जाया गया पूरे वृक्ष में, उस पानी का वाष्प उत्सर्जन हो जाता है, यानी जो आपका पानी है वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला जाता है। वाष्प अवस्था में चलने के बाद वायु के साथ-साथ वो ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठने के बाद पानी संघनन की क्रिया करके नीचे बारिश कराता है, ठीक है। अब जब नीचे से पानी क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन ही नहीं होगा, यानी वृक्ष कट जाएंगे, पत्ती के द्वारा वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, CO2 भोजन बनाने में नहीं काम आएगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि जब वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा तो ऊपर से बारिश भी नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो नीचे सूखा की स्थिति बन जाएगी और बारिश भी नहीं होगी। और अगर बारिश होती है एक आध बार, ठीक है, और वृक्ष फिर काट दिए जाते हैं तो नीचे पानी नहीं रुक पाएगा। इसी कारण क्या होगा, पानी नीचे नहीं रिस पाएगा, जड़ें नहीं रहेंगी तो पानी नीचे नहीं रिस पाएगा तो हमारा जो भूमि का जो हमारा जल है उसका स्तर नीचे चला जाएगा, यानी उसके स्तर में निम्नीकरण हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको चीजें इधर पर समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, वन उन्मूलन के प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित, उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होते हैं, तो यही तो हमारा प्राकृतिक संतुलन है कि बाढ़ आ गई, पानी नहीं बरस रहा है, ठीक है। प्रोफेसर रमन ने उन्हें बताया कि यदि वृक्षों को इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही, यानी इसी प्रकार वृक्षों की अनवरत मीन्स होता है दोस्तों लगातार कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। अब इधर से फिर हमारा जो है सिस्टम इधर पर देखिए, वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया वर्षा में कमी किस प्रकार आएगी, और भूमि की जो उर्वरकता है इसमें कमी देखिए किस प्रकार आती है। जो हमारी ऊपर की वायु होती है, सॉरी जो हमारी सबसे ऊपर की मिट्टी होती है उसमें क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस के कारण ही क्या होते हैं, जो सबसे ऊपर की परत होती है ह्यूमस होती है, और ह्यूमस के कारण ही क्या होती है, मिट्टी में उर्वरकता होती है। और जब उधर पर सूखा पड़ जाएगा तो हवाएं चलेंगी, हवा चलने की वजह से धीरे धीरे मिट्टी उधर से उड़ना स्टार्ट कर देती है और नीचे पत्थर निकल आते हैं, और जब पत्थर कंकड़ निकल आएंगे तो वहां पर मिट्टी आपकी उर्वरक नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाएगी, और पहली बात तो जब बारिश नहीं होगी तो भी यहां पे आपकी खेती नहीं हो पाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावना करनी पड़ की संभावना बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बाढ़ की संभावना कैसे बढ़ जाती है, और सूखे की भी मैं आपको बता रही हूँ किस किस प्रकार से बढ़ जाती है। तो इसको मैंने आपको पूरा यही समझा है, इसको आप पढ़ लीजिए, याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन पौधों को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो यही चीज़ मैंने आपको सारी बताई हुई है, अभी आप इसको देख लीजिएगा, मैंने आपको यही सब आपको बताया हुआ है। इसके बाद क्या होता है, जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। इधर पे बताया गया है कि ये सब जो आपके टेम्परेचर बढ़ने से या फिर वनोन्मूलन होते जल संतुलन का चक्र जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि जल चक्र का संतुलन किस प्रकार बिगड़ता है, और वर्षा दर में कमी आ जाती है। जब वर्षा दर में कमी आएगी तो उधर पर सूखा की स्थिति बनने लगेंगी। इसके अलावा मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। तो यही मैंने यह भी चीज़ आपको बताया है कि मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन किस प्रकार है। किसी क्षेत्र की मैं आपको बता चुकी हूँ कि मृदा के गुणों में किस प्रकार परिवर्तन, मृदा की जो ह्यूमस है ऊपर के वो हट जाते हैं या फिर बारिश की वजह से हो सकता है उनको कटाव हो जाए उनका, तो और आपका फिर बारिश ना हो दूसरी बार फिर बारिश ना हो तो भी उसे आपका संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। तो गुणों में मृदा के गुणों में परिवर्तन, मृदा की वाले चैप्टर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। अब मृदा के भौतिक गुण, अब मृदा में अगर ह्यूमस नहीं है तो उधर पर हम वृक्षारोपण करेंगे तो वो भी आपका अच्छे से नहीं होगा, और वृक्षारोपण नहीं होगा तो वनस्पति तो आपकी आएगी ही नहीं। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी मिट्टी होती है वो मिट्टी होती है वो मिट्टी को एकदम से बांध के रखती है, और बांध के रखती है तो मृदा अपरदन यानी मृदा को उधर से कटाव नहीं हो पाता है, मृदा उधर से नहीं बह पाती है,
तो आपका मृदा अपरदन रुक जाता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मैंने आपको बताया है कि अगर भूमि पर वृक्ष की कमी रहेगी तो मृदा अपरदन तेजी से होगा, यानी मृदा तेजी से उधर से कट कट के दूसरी जगह से हट जाएगी, ठीक है। तो उधर पर नीचे जो सेकंड परत होगी हमारी मृदा की, जो दूसरी संस्तर होगी वो क्या होगी, नीचे की संस्तर निकल आएगी, जिसमें आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे। अब जब कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे तो आप खुद सोचिए कि उधर पर आप क्या खेती नहीं कर सकते, यानी उधर पर आप वृक्ष नहीं लगा सकते हो, ना ही वृक्ष उधर पर होंगे। मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे कठोर चट्टाने दिखाई देने लगती हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। ये चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई है, तथा इसकी उर्वरकता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। अब चट्टानों में क्या उर्वरकता रहेगी, नहीं रहेगी ना। क्या कंकड़ पत्थर में आप जाके बालू में जाके लगा दीजिए पेड़ क्या हो जाता है, नहीं होता है ना, मिट्टी में ही पेड़ होता है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हमको कितना ज़्यादा नुकसान है इन चीज़ों से, और क्या है कि आपका धीरे धीरे मिट्टी क्या, धीरे धीरे जो जमीन है वहाँ की, भूमि है वहाँ की, क्या होगी, धीरे धीरे आपके वहाँ उर्वरक खत्म हो जाएगी, उर्वरकता और बिल्कुल बंजर भूमि हो जाएगी, और बंजर भूमि हो जाएगी यानी वहाँ पर मरुस्थलीकरण की स्थिति बन जाएगी और मरुस्थल भूमि परिवर्तित हो जाएगी। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल की नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अगर हम वन काट देंगे तो मृदा की जल धारण क्षमता, यानी मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो जल सोख ही नहीं पाएगी, जमीन सीधे जल आपका बहता चला जाएगा, तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल से नीचे की ओर अंतःस्रवण यानी रिसाव, वहाँ पर जल नहीं रिस पाएगा, कहाँ से रिसेगा, जब जल सीधे नालियों के द्वारा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, जैसे पक्की सड़क है तो क्या उस पर, क्या आप क्या कहेंगे कि उस पर आपकी जो जल है वहाँ पर पूरा वहीं पर, मतलब वहीं पर जाता है अंदर, जमीन नहीं रिसता ना, पक्की सड़कों पे थोड़ा जल रिसता है, आसपास की जहाँ सूखी जमीन उसको मिलेगा वहां तक नालियों बनाते हुए जाएगा जो वर्षा का जल है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद आपका जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है, अब जब जल जो आपका है रिसेगा नहीं नीचे जमीन में तो बाढ़ की स्थिति में आएगा, क्यों, क्योंकि जब रिसेगा नहीं तो वो उस जगह पे आएगा जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, और पक्की सड़कों पे घूमेगा, बड़ी अच्छी तरीके से पक्की सड़कों पे घूमेगा और आएगा हम तक। इसके अलावा मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व तो गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका ह्यूमस है, पोषक तत्व तो जो आपका ह्यूमस है, जल है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी कि पौधों को नहीं मिल पाएंगी, तो इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और गठन तो आपको पता है कि मिट्टी का गठन बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा अगर उधर पर वृक्ष नहीं होंगे। आगे देखिए, हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो जो हमें वन से उत्पाद हैं, जो हमारे वृक्षों से उत्पाद हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। देखिए, ईंधन मिलता है, ठीक है, औषधि मिलती है और बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं। हमें फर्नीचर बनाना होता है तो हमें इसी चीज़ से मिलती है, गाद मिलती है, हमें पेपर जो हम पढ़ते हैं, जो हमें कागज़ पत्री वगैरह मिलती हैं, इसी से मिलती हैं। अगर वृक्षों की कटाई निरंतर होती रही, निरंतर होने की वजह से वृक्ष नहीं बचेंगे समझो दुनिया समाप्त, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की भी हमें, अगर वृक्षों की कमी होती है तो ये सब उत्पादों की भी हमें सामना, ये सब उत्पादों की कमी का सामना भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, हमें सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। इसलिए आप ये सोचिए कि किस प्रकार से वनों को सुरक्षित किया जाए और वृक्षों को लगाया जाए। वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण देख लेते हैं। वन और वन प्राणी, वन है और वन में वन प्राणी भी रहते हैं। वन उन्मूलन के प्रभाव जाने के पश्चात पहलू और बुजुर्ग चिंतित थे, वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो देखते हैं वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहली बूझी एवं उनकी सहपाठियों के लिए जमुना संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। अभी लोग घूमने गए, अहमद, प्रोफेसर अहमद और पहली बूझू और उसके कुछ क्लासमेट्स घूमने गए, जयमंडल संरक्षित क्षेत्र में घूमने गए, उन्होंने उसके भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पंचमणि जयमंडल संरक्षित क्षेत्र नामक को चुना। कहाँ पे गए बोलो, पंचमणि जयमंडल संरक्षित नामक क्षेत्र पे गए। जानते थे कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निश्चले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास था कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी, एकदम अलग है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडली संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशक करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है।
तो जो हमारा जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण जो है हमारी एक राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। और जो वहाँ पे जो माधव जी रहते थे उनको उधर उधर पे अच्छी चीजें पता होगी कि इस चीज यहाँ पे रास्ता मन में पता होगी, ऐसा ना वो बच्चे खो जाए, तो उन्होंने उनका मार्ग निर्देशन किया। इसके बाद जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सजीव पाए जाते हैं, अथवा जो जीवन यापन की युग होता है। जैव मंडल जो है आपका वो जीवन यापन की युग होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप वायुमंडल में जाके और उधर पर रहने लगे, या आप जल मंडल में जाके रहने लगे, आप पूरे स्थल मंडल में, बिल्कुल स्थल स्थल मंडल में रहे, वहाँ पे ना पानी ना कुछ, आपको पानी ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको हवा भी नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमें तीनों चीजें जहाँ पे हम जीवन यापन कर सकते हैं उधर को जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पे आपको वायु भी मिलेगी, जल भी मिलेगा, स्थल भी मिलेगा, तीनों चीजें आपको मौजूद होती हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनसे पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो देखिए इनके कहने का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, यानी पृथ्वी पर विभिन्न जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो किस प्रकार से उनका पर्यावरण से संबंध रहता है? तो अगर देखिए गाय भैंस है, अगर हम सोचें हम सारी गाय भैंस को मार दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम सारी गाय भैंस को मार देते हैं तो हमें दूध ही नहीं मिलेगा। तो ये होता है एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है, आपका एक दूसरे से संबंध रहता है। माता जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन जंतु की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल, ऐसे नहीं है कि हमें अकेला करना है वन जंतु और वनों का आपको सुरक्षा या संरक्षण। जो हमारी बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां हैं वो भी इनकी सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं, यानी वो भी इनकी सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। सरकार उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम विधियां और नीतियां बनाती हैं। क्या करती हैं? नियम बनाते हैं। कैसे नियम बनाते हैं? वन जंतु अभ्यारण्य, इधर पर देखिए वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। तो ये चीज़ें आपकी दी हुई हैं, वन जंतु अभ्यारण्य आपका, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन जंतु अभ्यारण्य आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित सुरक्षित क्षेत्र है। तो संरक्षित सुरक्षित कैसे हैं इसको देख लेते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात उनके आवासों के लिए संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र? एक क्षेत्र है जैसे हमारा घर है, तो वैसे तो कोई है नहीं कि कोई इंसान आए पकड़ के कॉलर पकड़ के आपको निकाल दे, बोले नहीं निकल मुझे यहाँ रहना है, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार आपका जो है वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवास के लिए संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, यानी एकदम चिन्हित किए गए कि इस क्षेत्र में इनका संरक्षण रहेगा। अगर आप जैसे आप खुद हैं, आप घर में हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर आप कहीं सड़क पर घूमते जंगल में निकल जाएं तो आप वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनको भी चिन्हित किया गया क्षेत्रों को, कौन कौन से क्षेत्र? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, तो ये आपके संरक्षित किए गए। वृक्षारोपण, कृषि चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, इन क्षेत्रों में निस्बद्ध, यानी इन क्षेत्रों में सब चीज़ें नहीं होती, यही तो इन्हें नुकसान होता है। क्या होता है? वृक्षारोपण और कृषि चारागाह, वृक्षों की कटाई, यहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं, वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते हैं, चारागाह भी नहीं कर सकते हैं, शिकार भी नहीं कर सकते हैं, खाल प्राप्त करने तो शिकारी भी नहीं इधर पर जा सकते हैं। और खाल प्राप्त करने के लिए शिकारी जाते तो क्या करते हैं? मार देते हैं जीव जंतुओं, ठीक है, वन जंतुओं को मारे। अभ्यारण्य, तो क्या होता है अभ्यारण्य? वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनकी आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित हैं, तो वो होता है आपका अभ्यारण्य, यानी वहाँ पर जहाँ रहते हैं उनका आवास भी सुरक्षित है, उनका घर बार भी सुरक्षित है, वो खुद भी सुरक्षित है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? जो हमारा वन्य जंतु उधर पे सुरक्षित, यानी सीधी बात है, चाहे अभ्यारण्य हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो सब जगह हमारे जीव जंतु वन्य जंतु आपके वन्य सब सुरक्षित हैं। और इसके अलावा जो आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे आपका मुख्य चीज आपकी आदिवासी यानी जनजातियां भी इधर पे पाए जाते हैं, ठीक है, इधर पे आपकी जनजाति पाए जाते हैं, इधर पे जनजाति रहते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या होते हैं? ये लोग इनको जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए जैवमंडल आरक्षण, तो क्या है जैवमंडल आरक्षण? प्रोफेसर हेमंत ने माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया, गए बच्चे, माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इधर पर देख लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है। सीधी बात है,
कि जीवमंडल का अर्थ जो आपका है उधर पर पाए जाने वाले पौधे जंतु और सूक्ष्म जीव, अगर जीवमंडल एवं संस्कृति को उधर की बनाए रखना है तो हमें इसको भी सुरक्षित रखना होगा। अगर हमें उधर पर देखना है कि इधर पर क्या है, पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव, तो हमें उधर पर सुरक्षित उन्हें रखना होगा, नहीं तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे समाप्त हो जाएंगे। किसी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी होते हैं, जैसे पंचमणि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है आपका, कौन सा, सतपुड़ा नामक, तथा बोरी एवं पचमणि नामक दो वन जंतु अभ्यारण्य है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन से, बोरी एवं पंचमणि नामक, ठीक है। आगे देखिएगा, संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र मेरे जिले में कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा आप, इधर पे आपका पंचमणि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिखाया गया है, इतना बड़ा है। इसके बाद देखिए आप, इधर पे आपका क्या दिखाया गया है, इधर पे आपका बोरी अभ्यारण्य दिखाया गया है, और ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दिखाया गया है, ठीक है, और पंचमणि अभ्यारण आपका ये दिखाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, और सब हम अभ्यारण वगैरह हमें भूगोल में पढ़ने को मिलेंगे। अब देखिए पेड़ पौधों एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, तो इधर से देखते हैं। बच्चों ने भ्रमण करते समय जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न हुए। लंबे लंबे सागौन के वृक्ष और उन्होंने प्राणियों को देखा तो वो खुश थे। पहले अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया, वह पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर रेमंड ने उसे रोका, उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं और उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जंतु वहाँ के प्राणी जात, जीव जंतु वहाँ के प्राणी जात कहलाते हैं, तो एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के वनस्पति जात कराएंगे, पेड़ पौधे और प्राणी जात कहलाएंगे। और जैसे पहेली ने दौड़ के खरगोश को पकड़ा और खरगोश भागने लगा, और क्या होता है कि जब ये भागने लगते हैं तो हमें कभी कभी जैसे सांप बिच्छू वगैरह है, अगर आप उसको छेड़ते हैं वो आपको काट लेता है, नुकसान हो जाता है आपको, तो इसलिए आपको बच के रहना चाहिए, आपको जीव जंतुओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होते हैं, अच्छी चीज है इधर पर, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है समझ लीजिए। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए, यानी अंदर की साइड वन में चले गए। बच्चे एक विशाल का गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है, वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। तो विशाल गिलहरी का आप चित्र देख लीजिए, विशाल गिलहरी आपके इधर पर बनी हुई है, और ये बोल रखा है कि इधर की ये कैसी है, इधर की गिलहरी कैसी है, विशेष क्षेत्र स्पीसीज, यानी विशेष क्षेत्र यानी यहीं पे पाई जाती है। पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसको हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहती हैं, यानी जो आपकी गिलहरी है ऐसे क्षेत्र में पाई जा रही है तो वहाँ की वो विशेष स्पीसीज है, वो भी विशेष क्षेत्र है, ठीक है, तो विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाएगी। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, अब विशेष क्षेत्र में पाई जाती है तो दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाई जाएगी, ठीक है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्री हो सकते हैं, तो आपके पेड़ पौधे भी इसी प्रकार से विशेष क्षेत्री हो सकते हैं। इधर पे देखिए माधव जी ने पंचमणि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल एवं जंगली आम एवं पेड़ को दिखाया, विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण है, ठीक है। तो पंचमणि में आपके क्या है, साल सागौन के वृक्ष और जंगली आम पाए जाते हैं, तो आपके विशेष क्षेत्र हैं। मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्र स्पीसीज विलुप्त हो सकती हैं, क्या ये सच है, तो बिल्कुल दोस्त सच है, क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं विलुप्त होते जा रहे हैं कुछ विशेष स्पीसीज, तो ये आपके पहेली ने सही सोचा है। आगे देखिए, तथा उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, तो अभी आप जहाँ पर रहते हैं, मेरे ख्याल से मैं जैसे यूपी में रहती हूँ तो मैंने तो यहाँ पे उड़ने वाली गिलहरी ना ही बहुत ही ज्यादा लंबी पूंछ की जंगली गिलहरी मैंने इधर पे नहीं देखी है, ठीक है। तो ये आपकी पंचमणि में पाई जाती है, पंचमणि जैव आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है, तो और उड़ने वाली गिलहरी भी उधर पर पाई जाती है, तो वहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज हुई। प्रोफेसर ने बताया कि इसके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा होता है, यानी उन्होंने बताया कि इसके अस्तित्व को खतरा होगा अगर बहुत ही वन की कटाई होती गई। स्पीसी सजीव को समिष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर, यानी ओनली अपनी जाति के सदस्यों के साथ जनन क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं, तो जैसे आपका गिलहरी है वो जनन क्षमता करके दूसरी
संतान उत्पन्न कर सकती है, दूसरी संतान उत्पन्न करेगी तो उसी के जैसा आपको दूसरा संतान देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है आपकी जनन क्षमता, एक ही जाति के सदस्य कर सकते हैं, इनों में ही सामान लक्षण पाए जाते हैं। आगे देखिए, बाकी तो आप काफ़ी समझदार लोग हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण, तो क्या होते हैं हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण? शीघ्र पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमरी वन्य प्राणी अभ्यारण। तो प्रोफेसर रहमान ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें हम वन्य प्राणी अभ्यारण कहते हैं। तो अभी हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते रहे, यहाँ पे आपका वन्य प्राणी अभ्यारण आपको देखने को मिल गया कि जहाँ पे आपके वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं उसको हम वन्य प्राणी अभ्यारण कहते हैं। माता जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, यानी पूर्णतः मना होता है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित क्षेत्र भी जीवों के सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण संकटापन वन्य जंतु, जैसे देखिए मैं पढ़ देती हूँ कि जो संकटापन जंतु यानी इनको बहुत ही खतरा यानी बहुत ही कम बचे हुए, काले बिल्ली, हिरण, श्वेत वाला काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, जो आपकी गुलाबी सिर वाली बतख है आपकी बहुत ही पूछी जाती है, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड, तो ये आपके जो है आपके संकटापन वन जंतु हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, बच्चों को प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा गया है। अनुस्मरण के प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर, ठीक है, जहाँ हम प्राणियों एवं जंतुओं का संरक्षण करते हैं। तो देखिए, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? चिड़ियाघर आपका छोटा होता है, चिड़ियाघर में मेन बात क्या होती है कि जीव जंतु को एकदम बांध के रखा जाता है, ठीक है, और मतलब उसको एक पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, एवं वन्य प्राणी अभयारण्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान, तो अभी हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, अभी हमने वन्य प्राणी अभ्यारण पढ़ा, हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर्यावरण से संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, यानी जो यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, क्या है कि उधर पर जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे सब सुरक्षित हैं। आगे देख लीजिए, वन वनस्पति जात प्राणी जात दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक वस्तु भी वहाँ पे हैं जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वृक्ष में पाई जाती है, तो सबसे अच्छी सागौन यहाँ पे पाई जाती है, सर्वोत्तम किस्म की, काफ़ी अच्छी। इसके अलावा जो आपका दस इंपोर्टेंट है, जो आपका सतपुड़ा है, जो आपका सतपुड़ा राष्ट्र भारत का प्रथम आरक्षित वन है, तो तरफ पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि जो हमारा भारत का प्रथम आरक्षित वन है या प्रथम आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है भारत का, तो आपको याद होना चाहिए कि सतपुड़ा है, यहाँ पे सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास यानी शरण भी स्थित है, वहाँ पे चट्टानों में लोग भी रहते हैं। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है जिनमें इन्हें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे जो आवास बने हुए हैं इससे पता चलता है कि यहाँ पे आदि मानव रहते थे, जीवन यापन था। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमणि मतलब वहाँ पे कुछ पेंटिंग बनी हुई है, लोग रहते थे तो उन्होंने बनाई होंगी। पंचमणि जयमंडा आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टानें आवास की पहचान कर चुकी हैं। कितनी चट्टानें? 55। कहाँ पे? पंचमणि में। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार नृत्य, तो ये सब आपका बताया गया कि कैसे कैसे वहाँ पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। तो उधर पर शिकार करता हुआ मनुष्य बना हुआ है, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया मनुष्य बनाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते, तो आज भी आपके आदिवासी रहते हैं जंगल में जिन्हें हम जनजाति के रूप में बोलते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जहां पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र यानी प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस क्षेत्र का उद्देश्य अपने देश में बाघों को उत्तर जीविका एवं संवर्धन करना है, यानी आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है यानी वहाँ पर बाघों को अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाता है। इधर पर आपका बाघ, जंगली गेंडा, जंगली भेसा, बारक संघा बना हुआ है। आगे देख लीजिए, क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ, ठीक है, तो सही बात है। बाघ
उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब वहाँ पे बाघों का संरक्षण हो रही है तो विजनन की क्रिया के कारण और भी अपने जो बाघ हैं वो आगे आते जा रहे हैं, इसलिए उसकी वृद्धि हो रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सतपुड़ा में। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। तो बिल्कुल अनूठा उदाहरण है, क्योंकि हर जगह क्या है, कमी हो रही है और यहाँ पे क्या है, वृद्धि हो रही है। तो ये अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसा तथा बारहसिंगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको हम संकटापन जंतु कहते हैं, जो कम होते जा रहे हैं। जैसे कोई चीज पहले पांच थी, अब एक, जैसे पहले पांच थी, चार हो गई, तीन हो गई, तो अभी जो जंतु हैं वो आपके विलुप्त होते जा रहे हैं। हो सकता है ओनली आपका क्या है कि नर जंतु बचे, मादा जंतु ना बचे, तो नर जंतु आपका पांच सात हो तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे जनन क्रिया नहीं हो पाएगी। बूजों को डायनासोर के समय में याद दिला बूजों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके हैं। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उन्हें अस्तित्व में खतरा आ जाता है, उनके आवास में व्यवधान पड़ जाए। अब जो जीव जंतु आपके कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं, अब उनको कहे कि भाई वनों में नहीं, उसके वनों की कटाई कर दी जाए, तो क्या होगा, उनके आवास में खतरा हो जाएगा और वो वहाँ पे विलुप्त हो जाएंगे। क्या केवल बड़े जंतु को विलुप्त होने का खतरा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े जंतु को ओनली विलुप्त होने का खतरा नहीं है, छोटे छोटे जंतु को विलुप्त होने का खतरा है। माता जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, तो छोटे प्राणियों की तो और ज़्यादा संभावना अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चंगबांदर तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार देते हैं। हमें मारना नहीं चाहिए, जंगल में हमें छोड़ देना चाहिए, और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में भी नहीं सोचते हैं। तो आप पारितंत्र पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पारितंत्र होता है, किस प्रकार से पारितंत्र में हमें छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणी से लेकर बड़े से बड़े डायनासोर से हाथी से लेकर डायनासोर खत्म हो गए सॉरी हाथी से लेकर हर चीज़, यानी बड़े से बड़ा जो आपका वन्य प्राणी है, हर चीज़ की पारितंत्र में ज़रूरत होती है। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुँचा रहे, ऐसा नहीं है कि हम उनको मार के बड़े खुश हो जाते हैं, हमने इसको मार दिया, अरे बहुत ही बड़ा, हमने बहुत ही बड़ा एकदम कर दिया कोई काम, हम अपने आप को ही नुकसान पहुँचाते हैं। यद्यपि भी आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जो पारितंत्र है उसको, इसको हम योगदान में उसको नहीं नज़रअंदाज कर सकते। बेआहार नाल, बेआहार जाल तथा आहार श्रृंखला के भाग है, जिसके बारे में हम कक्षा सात में पढ़ चुके हैं। तो आप याद करिएगा कि हम आहार नाल एवं आहार श्रृंखला के भाग को हम पढ़ चुके हैं, वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार क्लास 7 का जाके वीडियो देखिएगा। किसी क्षेत्र में सभी प्रकार, सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे वायु, जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए क्या है, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटक हैं, जैव घटक नहीं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे वायुमंडल, जो आपके अजैव घटक हैं वो कौन कौन से हैं, वायुमंडल है, भूमि या मिट्टी है, नदी, और जो आपके जैव हैं वो आपके पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव आपके जैव हैं, और अजैव आपके वायुमंडल, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, तभी ये सारे मिलकर क्या करेंगे, एक पारितंत्र का निर्माण करेंगे। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन स्पीसीज का को रिकॉर्ड भी होगा, तो बिल्कुल रिकॉर्ड होता है आपका संकटापन स्पीसीज का, कौन सी बुक में होता है, तो आपका रेड डाटा बुक में होता है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपका रेड डाटा बुक है वो किस चीज़ की रिपोर्ट रखती है, किस चीज़ की रिपोर्ट रिलीज करती है, तो संकटापन स्पीसीज की रिपोर्ट आपकी रिलीज करती है। प्रोफेसर एमन ने बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में समझाया हुआ है, उनको बताते हैं कि रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में जानकारी आप कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं, तो वेबसाइट दी हुई है, आप देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं प्रवास। तो क्या होता है प्रवास, आप एक काम करिएगा, प्रवास, कागज का पुनः चक्रण, बनो, ठीक है, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा तो है नहीं, देख लेते हैं। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है, वह तबा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय व्यतीत करती है। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे, माधव जी बताते हैं कि प्रवासी पक्षी। अब देखिए प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें, मैंने तो जब पढ़ा इसको पहली बार बहुत ही मज़ेदार लगा। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर आते हैं, अब देखिए मतलब ये घूमने आते हैं पक्षी, ठीक है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी
आते हैं दूसरे देश से अपने देश में आए उसको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं रहता, यानी वो जहाँ रहते हैं बहुत ही ठंड पड़ने लगती है, वहाँ पर अंडे नहीं दे सकते, इसलिए वो दूसरी जगह उड़ के आते हैं, घूमने आते हैं, वहाँ पर अंडे देते हैं, वहाँ का जो वातावरण है अच्छा रहता है, तो वहाँ पर वो आराम से जीवन यापन अपना कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, बिल्कुल पढ़ा था, हमें याद है। और क्या है आपका कि देखिए मतलब हम लोग घूमने जाते हैं पक्षी भी आपके घूमने जाते हैं। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी, क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य कि यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो, तो देखते कागज का कोई और विकल्प किस प्रकार उपलब्ध हो सकते हैं, यानी लकड़ी को हम वनों को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि कागज में आपका सबसे ज्यादा आपका जो लगता है कागज में सबसे ज्यादा वृक्ष हरे भरे वृक्ष काट लिए जाते हैं। कागज का पुनःचक्रण, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कागज का हम पुनःचक्रण करेंगे तो काफी लकड़ी को हम बचा लेंगे। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनों उन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि एक टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से यानी बिल्कुल हरे भरे विकसित 17 वृक्षों को काट लिया जाता है। आप सोचिए, अब 17 वृक्ष कैसे नहीं बढ़ेगी CO2 की मात्रा, बिल्कुल बढ़ेगी। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है। अब 5 से 7 बार जब पुनर्चक्रण किया जा सकता है तो करना चाहिए। यदि कोई छात्र दिन में एक कागज की बचत करता है, दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है, तो हम वर्ष भर में अनेक वृक्ष को बचा सकते हैं। दिन में एक कागज की बचत करेगा, पूरे 365 कागज की बचत करेगा, तो बहुत फर्क पड़ता है। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग करना चाहिए एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी, जो उसके उत्पाद में क्या होती है हानि कारक रसायन, तो उनमें भी कमी आ जाएगी। वन उन्मूलन का कोई स्थायी हल, तो बिल्कुल दोस्तों कोई स्थायी हल क्या, बहुत ही अच्छा स्थायी हल है, पुनः वन रोपण यानी फिर से हम वन का रोपण करें तो आपका स्थायी हल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कटाई करते हैं वृक्षों की तो हमें वृक्ष को रोपना भी चाहिए। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वन उन्मूलन का उत्तर आपका वन रोपण है, यानी फिर से हम वन रोपण करें तो हम वन उन्मूलन को बचा सकते हैं। पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य नए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। दोस्तों दोगुनी मात्रा में अगर हम एक वृक्ष काटते तो हमें 2 वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष ऐसे नहीं है कि बहुत ही जल्दी वृक्ष बड़े हो जाएं और बस आपको वो 2 दिन में फल देने लगे, बहुत ही टाइम लगता है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उस स्पीशीज के होने चाहिए जो उस वन में पाए जाते हैं, यानी जिस वन में जैसे कोई वन है आपका, ठीक है, उसमें अच्छी तरह से नीम के वृक्ष होते हैं, अब जाकर उधर पर आप आम लगाते तो वो आम का वृक्ष सूख जाएगा। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप किसी चीज से लगाना मत, ठीक है। तो देखिए कि अगर उधर पे नीम उगती है तो नीम के ही वृक्ष हम उधर पे लगाएं, ठीक है, क्योंकि नीम का वृक्ष उधर पे अच्छे से उग पाएगा। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एक, अगर आप वृक्ष काटते हैं तो आपको 2 वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वृक्ष सूख भी जाते हैं, नहीं लग पाते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनः रोपण हो सकता है यदि वन उन्मूलित क्षेत्र को आबाधित छोड़ दिया जाए तो वो स्वतः पुनः स्थापित हो जाती हैं। यानी वन उन्मूलन क्षेत्र आपका कुछ वृक्ष काटे उधर उसका बीज गिर गया तो फिर से उगाते हैं अगर हम उसका उपयोग किसी भी चीज़ में ना करें, यानी उधर पे ना तो खेती करें, ना ही उधर पे कारखाने लगाएं, ना ही उधर पे घर बनाएं, तो उधर पे हो सकता है बीज गिर जाए वृक्षों का तो फिर से वृक्ष उधर पे उगाएं। प्राकृतिक पुनः वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। प्राकृतिक यानी उधर पे अपने आप उगाएगा। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण की एकमात्र विकल्प है, यानी एकमात्र आपका वृक्षारोपण है, ठीक है। प्रोफेसर ने बताया कि भारत वन अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को
वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने की बात प्रोफेसर रेमन ने बच्चों ने एक उल्लासपूर्ण ठीक है भाई इधर पे आभार व्यक्त किया। चैप्टर आपका समाप्त हो गया, बच्चों वाला चैप्टर था। इसका स्क्रीनशॉट आप इधर पे ले लीजिए, प्रमुख शब्द आपने क्या सीखा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर पे इसका अभ्यास का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इधर पे आप स्क्रीनशॉट इधर का लेते जाइए, इसका इधर का स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, इधर पे भी ले लीजिए और इधर पे भी आपका, इधर पे सब चैप्टर समाप्त हो चुका है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।